आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही बदले हैं आज। भाई साहब ये जो पेड़ है कितना पुराना है वाला? ये पेड़ जो सामने पेड़ ये वाला, ये पेड़ ये लहू में से होगा सर। कितना कितना साल हो गया सर इस पेड़ को? अच्छा ये वाला पेड़ है, ये है ना, 100-125 हो गया ना इसको। यस, यस। अच्छा थोड़ा सा आपसे इसके पेड़ के बारे में बात करनी है, इधर आइए थोड़ा सा। आज जो मैं जी हाय एवरीवन जी सर, मैं आज जो यहाँ पर आया हूँ इस एरिया में, मैं आपको बता दूँ और इन लोगों को बता दूँ जनता को कि ये पेड़ जो पीछे आप देख रहे हैं, पेड़ अभी मैंने दिखाया आपको पेड़, तो ये काफ़ी पुराना पेड़ है। तो मैं इस पेड़ पर बचपन में मैं आता था और दो रोटी चटनी से मतलब चुपड़ के लाया करता था, उस पर बैठ कर मैं खाया करता था। तो आई थिंक मैं कन्फ्यूज़ था कि पेड़ वही है, 12 के पास ही यही पेड़ है, लेकिन भैया से मैंने पूछा। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये पेड़ कितना पुराना है? ये लगभग ये पूरे 120 साल पुराना 12 के पास। अच्छा, अच्छा, 100 साल से ऊपर हो, यानी 120 साल हो गया। अच्छा ज्यादा ही होगी। अच्छा आपने क्या सोचा मुझे यहाँ देख कर, मेरा कैमरा सिस्टम देख कर, आपने नहीं, आपको ऐसा लगा शायद बाहर के हैं? नहीं हमारे सब अपने हमारे घर में आ जाते। सुनो सर, जी जी सर, कोई भी देश का आदमी आ जाए हमारे क्षेत्र में घर में, अपना मित्र मानते नहीं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैं शूट कर रहा था यहाँ पे, तो अभी आपने मतलब ये क्या, मतलब क्या फील हुआ आपको, ये बंदा शहर का है बाहर का है, मतलब क्या हुआ थोड़ा वो मैं सब पूछना चाहता हूँ। नहीं ऐसा है देखो जी, हम तुम तो यहाँ किसान है। जी 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 बिल्कुल। देखो इसमें बाहर रहे हो या अमरीका रहो या कुछ देश में रहे हो, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था आपसे। मैं आपको बता दूँ कि पर्सनल जो मैं आया हूँ यहाँ पे, आई थिंक मैं समझता हूँ मैं यहाँ जो आया हूँ 15 साल में इस एरिया की तरफ मैं आया हूँ, और ये जो पेड़ है मुझे इस पेड़ की याद आई कि अभी मैं क्यों ना क्यों अपने बचपन की जो चीज़ें हैं जो यादें हैं उसको मैं देखूँ थोड़ा जा करके, तो मुझे वो ये पेड़ याद आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि पेड़ यहीं से है, मतलब 100 साल से ऊपर हो गया यही है वो, तो काफ़ी। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम गजेंद्र भैया। गजेंद्र भैया, तो गजेंद्र भैया थैंक यू, आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बस और कुछ कहना चाहेंगे जनता से आप? नहीं जनता से क्या, हम तो कहते हैं भैया खुश रहो जहाँ भी रहो। बोल रहे भैया खुश रहो जहाँ भी रहो, भैया की रिक्वेस्ट है आप लोग खुश रहो, हम भी खुश हैं, आप खुश हैं तो हम खुश हैं, ठीक है ओके। आओ मैं आप लोग को पेड़ का नज़ारा दिखाता हूँ, पेड़ कैसा है अंदर से पेड़। चलो आप वहीं चल गए, साथ चलते हैं भैया, चलिए 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 गजेंद्र भैया, चलिए चलिए जहाँ क्या होगा वहाँ ले चले। तो एरिया यहाँ पे गजेंद्र भैया, मैं अक्सर स्कूल की छुट्टी के बाद शाम में आता था। ऐसे तो हम आते थे जी जी स्कूल छुट्टी में, हम आते थे फिर उसके बाद में हमारी कचरी जल्दी। जी जी सही बात है, नहीं काफ़ी अच्छा लग रहा है, 15 साल में मैं आ रहा हूँ इस पेड़ के पास, और मुझे वो अपना पल याद आ रहा है इसको देख करके, जो मेरी ज़िंदगी का वो पल था वो बहुत ज़बरदस्त था। अपने चाहता हूँ उनके एरिया में लगते हैं 100 साल से ऊपर हो गया इस पेड़ को मैं। हाँ लगभग में। अच्छा ये बाग है, ये बाग है ना? हाँ, बाग के पीछे है। अच्छा बाग के पीछे मंदिर, अच्छा ये है भोले का मंदिर बोलते हैं। तो काफी यहाँ से चेंज हो गया बहुत सारी चीजें भैया, दिखा दूँ आप लोग को एरिया जसनावली के पास सरदार नगर फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री चारों तरफ। हाँ देखा है मैंने, कराए मैं जागरण कराया पंडित जी ने, चारों तरफ जागरण करा, पंडित की बात ही अलग है। मेरे बचपन का पेड़ आ चुका है जी, क्या कर रहे हो चाचा? और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था इसके गुद्दे पर बैठकर जो मैं खाया करता था यहाँ पर, वो आज भी सेम के सेम ऐसा ही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो डाली थी मैं आपको बता दूँ वो कौन सी है जो मैं बैठता था जिस पर, ये वाली है। अच्छा जी, जैसे कि आपको दोस्तों पेड़ आ गया है, मैं पेड़ के पास आ चुका हूँ, देखिए आप लोग, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, काफ़ी अच्छा है। आओ मैं आप लोग को दिखाता हूँ थोड़ा, मैं कैसे चलता था, किस कौन से डाली पर बैठता था। आइए घूमने देखना चाहता हूँ, Yeah.
अरे बाप रे, मुझे कितनी परेशानी होगी चलने में, बस मुझे मालूम है। मैं बचपन में बड़े प्यार से बड़े आराम से जो है चढ़ जाया करता था और कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन आज मुझे पसीने आ गए, ऊपर मुझे रुका नहीं गया। मैंने सोचा था शायद कि मैं वो उस डाली में बैठ के आप लोग से बात करूंगा, आप लोग को बताऊंगा, तो गजेंद्र भैया मुझे पसीने आ गए, परेशानी होगी ऊपर जाने के बाद, तो मैं नीचे आ गया। तो आपको आप जैसे कि आपको पता है कि बचपन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को याद रहती हैं, तो मुझे वो अपना स्कूल के बाद का जो टाइम है मुझे याद है और मुझे काफ़ी यहाँ पे मज़ा आया। आई थिंक 15 इयर्स के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तो बस ये जो पसीने आ रहे हैं इसकी मेहनत का जो फल है वो आप लोगों से मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गजेंद्र भैया मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप भी कह दीजिए थोड़ा सा। ना सर, बिल्कुल होएगी। तो कुछ कहना चाहते हैं आप सर? नहीं बिल्कुल सर, क्या बोलो बताएं। हाँ, आप जनता से बोलिए कि रिजवान सर को आप लाइक कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। बोलिए मतलब किस तरह लाइक कीजिए, बोलिए लोग से। लाइक कीजिए हमें। अच्छा हाँ, बोले रिजवान खान सिंगर को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। रिजवान खान सिंगर को सपोर्ट कीजिए। एक गाना गा दूं मैं सिंगर हूँ, आपको पता नहीं है शायद, मैं गा दूं गाना। मैं गा दूं? आप गाइए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, थोड़ा और आवाज। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, आज ही हमने बदले हैं कपड़े। आज ही बदले हैं, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, किस कदर चोट खाए हुए हैं।